राजस्थान के पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को पार्टी ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में प्रदेश प्रभारी बनाया था। इसके सकारात्मक रिजल्ट सामने आने से पूनिया उत्साहित नजर आ रहे हैं। अपना जन्मदिन मनाने को लेकर बुधवार देर रात को पूनिया बाड़मेर के सर्किट हाउस पहुंचे। पूनिया के जन्मदिन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों में जबरदस्त तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है। गुरुवार को सर्किट हाउस में बाड़मेर विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी अपने समर्थकों के साथ पहुंची और पूनिया को जन्मदिन की बधाई दी। इसी तरह चौटन विधायक आदुराम मेघवाल, पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा सहित बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस पहुंचकर पूनिया का स्वागत करते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इसके बाद अग्रवाल पंचायत भवन में पूनिया का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया। स्नेह मिलन कार्यक्रम में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सतीश पूनिया का साफा एवं माला पहनाकर अभिनंदन करते हुए जन्मदिन की बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान महंत जगरामपुरी महाराज, विधायक प्रियंका चौधरी, विधायक आदुराम मेघवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पालीवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा, नेता प्रतिपक्ष पृथ्वी चंडक समेत बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मानव किसान लोकल, मैं आग्रह करना चाहूंगा, परम सम्मानीय लोकप्रिय सभी खड़े होकर के मान सम्मान बहुमान कर रहे और आप सभी जय-जय करने से मान सम्मान बहुमान कर रहे। मैं आग्रह करना चाहूंगा मुस्कान जी लोगा चाहूंगा और हमारे इस गुरुवर के सानिध्य में और गुरुवर के आशीर्वाद से बहुत ही सुंदर आयोजन हो रहा है और गुरु महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं तमाम अतिथि के ओर से परम सम्मानीय आदरणीय जी बेनिवार पुनाराम जी, कोटा पुखाराम जी, मोर्चा जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह जी बोलू, मुस्ताराम जी सरपंच, हनुमान जी पूनिया, गोविंद जी पुनिया, अंबाराम जी सवाई जी मेघवाल, बच्चू खान जी। भाजपा कार्यकर्ताओं और विधायकों ने केक कटवाकर पूनिया का जन्मदिन मनाया। अग्रवाल पंचायत भवन में स्वागत कार्यक्रम के दौरान जगरामपुरी महाराज ने बालिकाओं के लिए 1,00,000 रुपए देने की घोषणा की। बता दें कि पूनिया के जन्मदिन को लेकर आज सुबह से ही बाड़मेर जिले भर में अलग अलग जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।